नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। अभी मैं अपने लोकल वाला टोल एक पार कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी गाड़ी के अंदर फास्टैग भी लगा हुआ है। हालांकि लोकल जो रहने वाले होते हैं, लोकल जो निवासी होते हैं, उनके लिए टोल टैक्स होता है फ्री, तो हमारा यहाँ पे फ्री है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है, अब हम लोकल के हैं, या फिर पुलिस में होते हैं, या फिर आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो कहते हैं कि यार हम आई कार्ड से फ्री में निकल सकते हैं, लेकिन फास्टैग से हमारे पैसे तो RFID द्वारा अपने आप से ही कट जाएंगे। तो ऐसे में मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा कि आपका फास्टैग भी लगा रहेगा आपकी गाड़ी के अंदर और आपका कोई पैसा कटेगा भी नहीं, और आपका जो फ्री वाला सिस्टम है, या आप लोकल हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है आपके पास जिससे आप फ्री में निकल सकते हैं और आप चाहते हैं आपके फास्टैग से आपका पैसा ना कटे, तो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मोटोजिप। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ी में बैठ के मैं आपको समझाता हूं वो दोनों ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, समस्या आती है भाई फास्टैग लगा हुआ है, अब अपने आप से पैसे कट जाएंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन। मान लीजिए आप लोकल हैं, या आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे आप फ्री में निकल सकते हैं उस टोल टैक्स से, या फिर आप डिफेंस के हैं, या फिर आपके साथ कोई ऐसा भाई बैठा है डिफेंस वाला जो आपको कहता है कि भाई चलो टोल मेरी वजह से बच जाएगा, तो इस मोबाइल फ़ोन को ऑन होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है स्क्रीन खुली हुई हो, ऑन होना चाहिए, फ़ोन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। इसको अगर आप इस तरीके से इस फास्टैग के पीछे लगा देंगे, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसी भाई को, किसी को भी, सामने वाले को बताइए, इस तरीके से इसको इस फास्टैग के पीछे लगा दीजिए, तो जो RFID होती है, जो हमारे इसको स्कैन करती है, वो कंफ्यूज हो जाती है टोटली, और इस मोबाइल का जो अंदर का मदरबोर्ड वगैरह, बैटरी वगैरह, डिस्प्ले वगैरह है, और जो इसके अंदर चिप्स लगी हुई हैं, चिप वगैरह जो भी कुछ लगी हुई है, वो सब कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता RFID को। हालांकि है तो ये हैक ही, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है पुलिस का, या फिर मान लीजिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, तो आप इसको जैसे ही आपकी गाड़ी वहाँ पे जाने वाली है टोल पे, तो मोबाइल इस तरीके से लगाइए डिस्प्ले की साइड से, और इधर आई कार्ड अपना दिखा दीजिए, अगर वैलिड होगा तो टोल बूथ वाला जो बंदा है वो आपको जाने देगा। इस तरीके से आप अपने फास्टैग के जो पैसे हैं वो कटने से बचा सकते हैं और आप फ्री में निकल भी जाएंगे। आगे जहाँ पर वैलिड नहीं है, आप लोकल नहीं है, या जहाँ पर आपको लगता है कि भाई फास्टैग से पैसे कटने हैं, तो मोबाइल मत लगाना, आपके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका आता है दोस्तों, आप ये फास्टैग जब आता है इसको इस पे चिपकाइए ही मत, इस पे यानी कि अपने शीशे पे मत चिपकाइए। इसके पीछे एक चिट चिपकी हुई होती है, पेपर चिपका होता है, उसको ऐसे का ऐसा ही अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में या अपने पर्स में, वॉलेट में रजिस्टर्ड कराने के बाद रख लीजिए। अब कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे मेरे लिए लोकल में पड़ा था ये वाला टोल टैक्स, तो यहाँ पे मेरा फ्री निकल जाता है, बाकी जगह पे मुझे टोल पे करना पड़ता है। अगर चिपका हुआ तो मोबाइल वाला तरीका, अब जैसे हमने वो लेके रिचार्ज करा के एक्टिवेट करा लिया है, तो जब हमें नहीं देना है टोल, मतलब हमें फ्री वहाँ पे ऑफर मिल रहा है, तो वहाँ पे हम उसको नहीं लगाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे, अपना आईडी, लोकल आईडी या जिससे भी हम फ्री हैं वो दिखा देंगे, और जहाँ पे हमें टोल कटवाना है तो उस, जिस तरीके से, चलो एक मास्क का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इस तरीके का वो कुछ आपका ये जो है फास्टैग होगा, उसको आप जैसे ही आप टोल बूथ पे पहुँचे उसको इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए, और जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो वो उससे उसको स्कैन कर लेगा, और फिर आपकी गाड़ी उस फास्टैग के थ्रू जो भी पैसे हैं वो कट जाएंगे और आगे निकल जाएगी। जहां आपका फ्री चल रहा है उसको अपने बटवे में या अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे रखिए, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर उस चीज़ की। तो दोस्तों, ये दो तरीके शायद ही आज तक किसी ने आपको बताए होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या कहीं भी। मेरे को लगा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आर्मी पर्सन, डिफेंस वाले हैं जिनको छूट होती है लोकल में, वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से जाके फॉलो कीजिए। कुछ मन में सवाल आते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपके रिप्लाई देता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।